पहले आप ये देखिए कितना बढ़िया मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ता लग रहा है। आज हम इस नाश्ते को ब्रेड और आलू से बनाएंगे। इसे बहुत ही कम समय में बना के तैयार करेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में एज अ स्नैक्स में बना सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले इसके लिए घोल बना लेंगे। यहाँ पे लेंगे बाउल, इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन, 1/4 कप सूजी डालेंगे। आप सूजी मोटी या फिर बारीक कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सूजी बारीक इस्तेमाल करी है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, इन सबको चला दें। जितनी सूजी लेनी है उतना ही बेसन लेना है, या फिर आप बिना सूजी के भी बना सकते हैं, इसमें बेसन डाल सकते हैं। अगर आप सूजी नहीं डालें तो बेसन डाल लें, तो 1 कप बेसन लें। इन सबको यहाँ पे चला दिया है। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा ही डालेंगे। इसको यहाँ पे गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसको भी यहाँ पे चला दिया। इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं। अगर पानी एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें गुठली पड़ जाएंगी, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। इसे भी यहाँ पे चला दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं, इसको भी चला दें। इसे भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और देखिए इसमें एक भी गुठली नहीं पड़ी है। टोटल यहाँ पे 1 कप पानी लग गया है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जो हमने सूजी डाली है वो फूल जाए। यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। आलू को यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, 6 चम्मच फ्रोजन मटर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हमने हरी मिर्च भी डाली, तो आप मिर्च बैलेंस करके डालें। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर फ्रोजन मटर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। स्टफिंग बनाते समय ध्यान देने वाली बात, आलू को उबाल के तुरंत ही पानी में से निकाल दें। आलू को छील के थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दें, ताकि आलू में बिल्कुल भी नमी ना रहे। और ये भी सब अच्छे से मिक्स हो गया और हमारी मजेदार से स्टफिंग बन के होगी तैयार। अब स्टफिंग को एक साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने 6 व्हाइट ब्रेड लिए। आप चाहें तो आटे वाले ब्रेड भी ले सकते हैं। आप जो भी ब्रेड खाते हो आप उस ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पे 2 ब्रेड लिए। आप चाहें तो ब्रेड को छील के प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी बोर्ड पे रख लें। अब लेंगे स्टफिंग। ब्रेड के ऊपर स्टफिंग रखेंगे, 4 से 5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रखने के बाद इसे फैला देंगे पूरे ब्रेड पे। दोनों ब्रेडों पे हम ऐसे ही स्टफिंग रख के और फैला देंगे। दोनों ब्रेड पे स्टफिंग को लगा दिया और स्टफिंग को ब्रेड पे फैला भी दिया है। और देखिए ब्रेड पे काफ़ी सारी स्टफिंग लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी स्टफिंग लगाई है। अब स्टफिंग के ऊपर ब्रेड रखते हैं, दोनों पे रख देंगे और इन्हें दबा दें। हल्के हाथ से इन्हें दबा देंगे। इनको यहाँ पे दबा दिया है और मैं आपको एक बार उठा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सैंडविच की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये सैंडविच नहीं है। अब ब्रेड को यहाँ पे कट करते हैं। एक ब्रेड में से 2 पार्ट बना लेंगे। चाकू से इसे कट करेंगे। कट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसे यहाँ पे कर लिया कट, इसे यहाँ पे कट कर लिया है। और देखिए इसके पीस कितने ज़्यादा बढ़िया निकले हैं, ये देखिए। अब दूसरे वाले ब्रेड को भी हम इसी तरह से कट करते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों ब्रेडों को कट कर लिया है, और देखिए इसके भी पीस कितने बढ़िया निकले हैं। बाकी ब्रेड को भी हम स्टफिंग लगा के इसी तरह से कट कर लेंगे। सारे ब्रेडों पर स्टफिंग लगा के कट कर लिया है, ये देखिए। 5 मिनट हो गए। और अब सूजी और बेसन वाले घोल को भी देख लेते हैं। सूजी यहाँ पे फूल गई है, ये थोड़ा टाइट भी हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, करीब 4 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे इसमें, और इसे भी चला दें। इसे भी यहाँ पे चला दें, और आप देख सकते हैं घोल ना ही ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा पतला है। हमें घोल इसी तरह का चाहिए। यहाँ पर मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म होते ही बेसन वाले घोल में ब्रेड को डिप करेंगे, इसे चारों तरफ से कोट करेंगे। कोट करने के बाद इसे पैन में डाल देंगे। इसी तरह सारे ब्रेड को कोट करने के बाद डाल देंगे। एक बार मैंने यहाँ पे 4 पीसेस को ही डाला है, बाकियों को हम बाद में सेकेंगे। इसकी गैस मीडियम टू हाई रखें। और ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट में या शाम को छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं। ये नाश्ता बच्चों के साथ बड़ों को भी अच्छा लगेगा, और ये नाश्ता हेल्दी भी, क्योंकि इसे हमने बहुत ही कम तेल में सेका है। 2 मिनट हो गए, तो अब इस नाश्ते को पलट देते हैं। और ये कितने आराम से पलट गया और इस साइड से भी अच्छे से सेक गया है। सारे नाश्ते को पलट देते हैं। मैंने यहाँ पे सारे नाश्ते को पलट दिया। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने इस नाश्ते को हेल्दी बनाया, इसलिए मैंने इसे 2 चम्मच तेल में ही सेलो फ्राई करा है। 2 मिनट तक इस साइड से भी सिकने देंगे। 2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और इसे चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, जब तक इस पे हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। इन पे आ गया यहाँ पे गोल्डन कलर, और देखिए कितने मजेदार लग रहा है ये नाश्ता। तो अब इस नाश्ते को निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो सारे नाश्ते को निकाल लेते हैं, बाकी नाश्ते को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये हमारा बहुत ज्यादा टेस्टी मजेदार नाश्ता बन चुके तैयार, और देखिए दिखने में भी कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। आप इस नाश्ते को ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं। आप इस नाश्ते को खट्टी चटनी या फिर सॉस के साथ खाइए। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, और ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा हेल्दी, क्योंकि हमने इसमें बहुत कम तेल इस्तेमाल करा है। इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर बनाना तो बनता है। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व करा है, और देखिए कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है।
ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं लाइक करें, और देखिए अंदर से कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, आगे नहीं देखते मुँह में पानी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।